आपने कोई ऐसा कॉलेज देखा है जहां न पढ़ाने के लिए प्रोफेसर हो, न कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हो और न ही उसकी देखरेख करने वाला चपरासी हो? अगर आपका उत्तर ना हो तो हम आपको इस अनोखे शिक्षण संस्थान के दर्शन करवाते हैं। ये कॉलेज प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और ये कॉलेज सिरमौर के नारंग में स्थित है, जिसकी घोषणा पूर्व की कांग्रेस सरकार ने की थी, जिसे भाजपा सरकार ने इस वर्ष से आरंभ किया है। आपको बता दें कि प्लस टू के बाद नारंग के युवा सोलन के सरकारी कॉलेज में शिक्षा लेने आते थे। इस बार भी वह सोलन एडमिशन लेने आए थे, लेकिन उन्हें जबरन नारंग के कॉलेज में एडमिशन लेने का दबाव बनाया गया, जिसके चलते इस कॉलेज में 35 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिए। अब 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर उन्हें कौन पढ़ाएगा और उनका भविष्य कैसा होगा। अब ग्रामीण अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में जाते देख सुर्ख नजर आ रहे हैं और इसीलिए वो एक सप्ताह से स्टाफ की मांग कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन स्थानीय विधायक सुरेश कश्यप और भाजपा सरकार इस पर कोई भी उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। नारंग के समाज सेवी आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष कुमार ने बताया कि कॉलेज में बिल्कुल भी स्टाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि शाद के विधायक नारंग आ रहे हैं, लेकिन वह धरने पर बैठे लोगों के पास उनकी सुध लेने नहीं आ रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उन्हें जनता के बीच आने में उन्हें अब शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया है। यहाँ तक कि कॉलेज आरम्भ करवा दिया गया, लेकिन स्टाफ के नाम पर चपरासी तक नियुक्त नहीं किया गया है। इसीलिए वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर उनकी सुध नहीं ली जाती है तो वह भविष्य में उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। जो हम अनशन कर रहे हैं यहाँ पे, और जबकि 32 बच्चों ने यहाँ पे दाखिला ले लिया है और वो 1 महीने से ऐसे घूमे, ना उनको पढ़ाई के लिए मतलब कॉलेज में ना टीचर है, और विधायक साहब ने शर्मनाक हरकत ली है कि वो बोलते हैं कि मैं नीचे नहीं जा सकता, उनको शर्म आती है। विधायक साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो एक आपको आज शर्म आ रही है ना, 5 साल पहले शर्म नहीं आई थी आपको वोट मांगने में, जनता से वोट मांगने में शर्म नहीं आई थी, आज आपको शर्म आ रही है। और मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपने ऐसे ऐसे विधायक को टिकट दिया है जिनको आज पब्लिक में जाने में शर्म आती है, और जनता के मुद्दों पे काम करने में या उनको आगे रखने में भी बहुत शर्म आ रही है। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस पे कोई भी ठीक निर्णय नहीं लिया तो हम इस अनशन को और उग्र बनाएंगे, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी।